फरीदाबाद के सेक्टर 19 में एक्सपा सेंटर पर CWC की टीम के साथ मिलकर पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक नाबालिग सहित कई युवतियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 19 स्थित स्लिप एंड सैलून स्पा सेंटर की है, जहां पर कल देर शाम में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। इस दौरान स्पा सेंटर की संचालिका सहित तीन युवतियों को पकड़ने में टीम ने सफलता हासिल की, जिसमें से एक युवती नाबालिग थी। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के अधिकारी रविंद्र ने बताया कि उन्हें 1098 पर इस स्पा सेंटर के बारे में जानकारी मिली थी कि कोरोना महामारी के बावजूद इस स्पा सेंटर को न केवल खोला जा रहा है, बल्कि एक नाबालिग युवती का शोषण भी किया जा रहा है। इस सूचना के मिलने के बाद CWC की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जब स्पा सेंटर पर छापेमारी की, तो स्पा सेंटर की संचालिका सहित तीन युवतियों को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिनमें एक युवती नाबालिग थी। फिलहाल आज नाबालिग युवती के CWC के सामने बयान करवा दिए गए हैं, जिसकी एक कॉपी महिला थाना की SHO को भेज दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने स्पा सेंटर संचालिका के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और मॉरल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुप्त सूचना मिली थी 109 पर कि स्लिन सैलून स्पा में कुछ बच्चियों से जो शोषण कराया जा रहा है। उपरोक्त सूचना पर सेक्टर 19 पुलिस चौकी के साथ हमने स्पा में गए, जहां पर हमने तीन लड़कियां देखी थी और स्पा की कोई संचालक थी वो भी थी। उसी आधार पे दो लड़कियां तो बालिग थी, एक नाबालिग थी। नाबालिग लड़की को CWC में पेश किया गया, जिसकी स्टेटमेंट ली गई है। स्टेटमेंट कॉपी SHO महिला थाने को कर दी गई है, जिस पर FIR रजिस्टर्ड हो गई है दो लोगों के खिलाफ। बहरहाल मामले में पुलिस ने स्पा सेंटर संचालिका को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में आरोपी क्या कुछ खुलासे करती है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।